हेलो गाइस, दिस इज द रोहित एंड वेलकम बैक विद दिस वीडियो। तो हुआ क्या, अभी 10th और 12th के एग्जाम चल रहे हैं, तो 12th के बाद बच्चों को करना क्या, वो बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि उसके बारे में किसी को LLB करनी है तो वो कैसे कर सकता है 12th के बाद में। तो बहुत सारे बच्चे स्विच करते हैं अलग अलग करियर में, तो कुछ LLB भी करना चाहते हैं, थोड़ा बहुत माइंड मैप या कह सकते हैं कुछ रास्ता नज़र आ जाएगा आपको। तो अगर आप 12th के बाद LLB करना चाहते हो तो वो 5 साल का होता है, जो प्रोग्राम होता है वो 5 साल का होता है, चाहे आप BBA LLB करें, जो चलता है चर्चाओं में वो BLLB होता है, BSc LLB भी, BCOM LLB भी होता है, लेकिन BLLB चलता है। तो अगर आपको BLLB करना है, देखो 12th के बाद अगर आपको LLB करनी है तो BLLB होता है, जिसके लिए अगर आपको एडमिशन लेना है, अगर NLU's में चाहते हो एडमिशन तो उसके लिए क्लेट की प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। अगर आप चाहते हो जो नेशनल लेवल की हैं, जैसे कि NLU को छोड़ के जो यूनिवर्सिटी हैं, अगर उनमें आप लेना चाहते हो, यू हैव टू प्रिपेयर फॉर CUET एग्ज़ाम। CUET के अदरवाइज, CUET की आप लिस्ट देखोगे, देख लेना, ऑनलाइन चेक कर लेना, खैर मैं भी यहाँ पे लगा दूंगा स्क्रीनशॉट, जो भी यूनिवर्सिटीज़ उसमें हैं उसको छोड़ के जो यूनिवर्सिटीज़ और बचती हैं, अगर उसमें आपको चाहिए तो उसके लिए जो पर्सनल एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, यू हैव टू प्रिपेयर फॉर दैट। तो सिंपल सी बात है, तो आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि अगर आपको BLLB NLU से करनी है तो यू हैव टू प्रिपेयर फॉर क्लेट एग्ज़ाम। अगर आप CUET के थ्रू जाना चाहते हो तो CUET में देख लेना, जैसे CUET हो आपको BHU के लिए, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के लिए, तो इसके अगर आपको इनमें एडमिशन लेना है तो यू हैव टू प्रिपेयर CUET एग्ज़ाम। अगर इनको छोड़ के अगर आप करते हो तो उसमें आपको पर्सनल जो यूनिवर्सिटी अपनी तरफ से जो कराती है एंट्रेंस, उसके लिए प्रिपेयर करना पड़ेगा, उसका सिलेबस आपको वहीं से मिलेगा। अगर सिलेबस की बात करें तो सिलेबस आप ऑनलाइन भी निकाल सकते हो, मेरे से बोलोगे मैं प्रोवाइड करा दूंगा, लेकिन सिलेबस की बात नहीं करते। अगर इस वीडियो में अगर कोई क्लेट वाला बच्चा है तो कमेंट करके बताना, वरना CUET वाले बहुत सारे बच्चे हैं, तो CUET के बारे में बता देता हूं आपको कि CUET में देखो, वैसे तो अगर अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ की बात करें, आपकी कौन सी प्रायोरिटी है कमेंट करके बताना, अगर BHU या फिर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की बात की जाए तो इनमें सबसे 3 स्टेज होती हैं एग्ज़ाम की, 3 स्टेज होती हैं। तो 3 स्टेज में सबसे पहली स्टेज आती है लैंग्वेज का पेपर। तो लैंग्वेज में आपको 13 लैंग्वेज मिल जाएंगी, यानी 13 लैंग्वेजेस आपको मिल जाएंगी, उसका आपको उसका पेपर होगा। तो इनमें से अगर BHU या फिर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में लेना है तो इसमें सिर्फ और सिर्फ 13 चूज नहीं करनी आपको, सिर्फ हिंदी या फिर इंग्लिश, या तो हिंदी या फिर इंग्लिश, इन दोनों में से कोई लैंग्वेज चूज करनी पड़ेगी, आपका पहले स्टेज इसमें क्लियर हो जाता है। अगर आपको लैंग्वेज के लिए आप सोच रहे हो कैसे तैयारी करें, तो लैंग्वेज के लिए बहुत सारी बुक्स आती हैं, अगर इंग्लिश तो इंग्लिश का सिलेबस तो आपको पता ही है, और नहीं भी पता है तो मैं प्रोवाइड करा दूंगा, कॉमेंट करके बताइए। और अगर हिंदी की बात की जाए या इंग्लिश की बात की जाए कि बुक कौन सी पढ़नी चाहिए, तो बुक बता रही हैं जो चल रही है मार्केट में वो करो, अगर मैं बताता हूँ तो ऐसा लगता है प्रमोशन कर रहे हैं, स्पॉन्सरशिप है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, मैं तो आपको जस्ट बता देता हूँ। तो जो हिंदी इंग्लिश में जो चल रही है सब बेस्ट है, बस ज़्यादा मटेरियल इकट्ठा मत करना, जो है उसी पे बिलीव करो, उसी को बार बार पढ़ो। अगर बात करें सेकेंड स्टेज की, तो सेकेंड स्टेज में लीगल स्टडीज़, तो लीगल स्टडीज़ में आपको कुछ अदरवाइज लेने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ यू हैव टू गो थ्रू NCERT, 12th बेस्ड NCERT, उसी में से सब कुछ आने वाला है, उसके बाहर कुछ जाता ही नहीं। तो आपको NCERT को ये समझ लो वर्ड टू वर्ड रटना है अगर आपको ज़्यादा स्कोर करना है, क्योंकि अभी 2022 वाला जो था उसको देखने से अगर मैं बताऊँ तो आप वर्ड टू वर्ड आपको रटना पड़ेगा NCERT, तब जाके आप जो है अच्छा खासा स्कोर कर सकने वाले हो। अगर बात की जाए तीसरी स्टेज की, तो दैट इज़ जनरल टेस्ट। अब जनरल टेस्ट में देखो रीजनिंग भी है और करंट अफेयर भी है। करंट अफेयर की बात की जाए तो आप करंट में न्यूज़पेपर या फिर PD प्रतियोगिता दर्पण उसको कैरी कर सकते हो, उसको फॉलो अप कर सकते हो। और अगर रीजनिंग की बात की जाए तो रीजनिंग की देखो बतेरी बुक्स हैं, जैसे कि अरिहंत की जो मेरे पास भी है और भी बहुत सारी हैं, तो रीजनिंग के लिए आप जो वर्बल नॉन वर्बल दोनों आ जाती है उसमें, तो आप ऐसी कोई बुक परचेज कर लीजिएगा। तो ये 3 ही स्टेज हैं ओनली, तो इसमें मैंने बता दिया आपको कैसे प्रिपेयर करना है
ट्वेल्थ के बाद में एलएलबी कैसे कर सकते हो 5 साल वाली। अगर आपको कुछ क्लैट से संबंधित या कुछ और भी कोई डाउट बन रहा है किसी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी से लेकर, तो कमेंट कीजिए। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि कैसे क्या करना है, अगर आपको पर्सनल गाइडेंस चाहिए तो आप इंस्टाग्राम पे आ जाओ मेरे को। अगर पर्सनल गाइडेंस पेड होती है आपको पहले बता रहा हूँ। अगर आपको वैसे कुछ पूछना है तो इंस्टाग्राम पे वैसे भी पूछ सकते हो। अगर आपको रिप्लाई नहीं मिल रहा तो दोबारा कर दीजिए। इम्पोर्टेंटली फॉलो करके मैसेज करना ताकि वो मेरे पास जल्दी पहुंच पाए, ठीक है। अगर आपको वन ऑन वन आपको गाइडेंस चाहिए तो सेम नाम से इंस्टाग्राम अकाउंट है, वहाँ पे लॉयर रोहित माथुर, वहाँ पे आप पूछ सकते हैं जो कुछ पूछना चाहते हैं। वहाँ पे मैं आपको व्हाट्सअप नंबर भी प्रोवाइड करा देता हूँ अगर पेड आपको गाइडेंस चाहिए तो। और कुछ जानना हो तो कॉमेंट कीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट किसी टॉपिक के साथ। जब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।